लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दुर्ग भाजपा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने प्रतिमा की दुर्दशा को देखते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में दुर्ग भाजपा के द्वारा दुर्ग स्थित पटेल चौक पर पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस अवसर पर पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण से पहले प्रतिमा की दुर्दशा देख नाराजगी जताई। साथ ही पहले उन्होंने प्रतिमा पर पानी डलवाकर साफ करवाया, उसके बाद भाजपाइयों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को याद करते हुए जयकारे लगाते हुए प्रतिमा में माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए दुर्ग सांसद ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए प्रतिक्रिया दी। अखंड भारत के निर्माता, इस देश के लौह पुरुष श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ ऐतिहासिक चौक, जिसको पटेल चौक के नाम से हम सब जानते हैं, जिनकी प्रतिमा यहाँ प्रतिस्थापित है, ऐसे महापुरुष को हम लोग नमन करने, प्रणाम करने, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब सैकड़ों साल, हजारों साल की गुलामी के बाद हमारी भारत माँ आज़ाद हुई, तब उन्होंने बीड़ा उठाया इस देश की अखंडता और एकता के लिए। लगभग 565 रजवाड़ों को उन्होंने एक कर दिया जो बिखरे हुए थे, और उनके दबंगई का यह शान था कि उनकी आंख देखकर ही अनेक मुस्लिम राजा और अनेक राजा नतमस्तक होकर अपने आप को हिंदुस्तान का अंग के रूप में उन्होंने समर्पित किया। और आज उसी का प्रतिफल है, अखंड भारत, सिर्फ एक कश्मीर बचा था जिसकी लड़ाई वो लड़ते रहे, लेकिन वो समय आया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की कमान संभाली और वो कश्मीर भी हमारा एक अंग बना। हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और मन में भाव रखें कि हमेशा राष्ट्र प्रति हम समर्पित रहें। राष्ट्र बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, राष्ट्र हित में, राष्ट्र के स्वाभिमान में हम सब अपने एक एक पल, एक एक क्षण को झोंके, इस बात का संकल्प आज के दिन हम लेने और एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाने हम सब यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुष की प्रतिमा यहाँ पे उपेक्षित महसूस कर रही है, और हम सब देखकर ये रोना आता है कि सरकार कांग्रेस की है और यहाँ पर जो नगर निगम में उनके ही लोग बैठे हैं, मगर क्या दुर्गति इस चौक की आप देख रहे हैं। धूल लगे हैं प्रतिमा में, और ये संविधान में लिखा है कि देश के महापुरुषों की प्रतिमा को हमेशा सजा कर संवार कर रखें, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सब कुछ कुर्बानी दी। लेकिन दुर्भाग्य, यहाँ के कांग्रेस गुंगी बहरी सरकार और अपने आप में मतमस्त सरकार, यहाँ के महापौर, यहाँ के सभी उनके पार्षद और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इसको उपेक्षित कर रखे हैं। हम तो आज ही आगाज कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उधर कोने में कई स्थान पटेल जी का बनाया गया है, वो स्थान भी उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि चौक चौराहे से दिखे। जो अन्य हम ये नहीं कहते कि हम हटाने के लिए इसमें हम विरोध कर रहे हैं, चौक के लिए हर प्रकार के सहयोग करने के लिए हम बाध्य हैं और रहेंगे, हम संकल्पित हैं, मगर ऐसी जगह कोने में रखे जो चारों तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति दिखे, वो स्थान में परिवर्तन करें। और उस तरह जो अनेक और चौकों में जो व्यवस्था दे रहे हैं, चौक पे ही साइड में स्थान इनको सुरक्षित रखे हैं, ऐसे स्थान पर ये प्रतिमा स्थापित हो, उसके लिए हम निश्चित रूप से यहाँ के महापौर से, यहाँ के प्रशासन से, जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।